बर्थडे रूही। थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रूही का बर्थडे के दिन आज का दिन हम बहुत ही बढ़िया शुरू कर दिए है और अभी हम जा रहे हैं बाहर उस तीनों बेटियों के पास। ठीक है, आज रूही का बर्थडे हम बनाएंगे और आज स्पेशली आप सब लोगों को याद ही होगा, कल कमेंट भी आई थी कि किंजल को आज स्पेशल गिफ्ट देनी है। ठीक है, तो क्या गिफ्ट होगी वो किंजल से पूछते हैं कि उनको क्या लेना है। ठीक है, क्योंकि गिफ्ट मैं उनको लेकर दूंगा, उससे अच्छा है कि मैं उनको लेकर जाऊँ और उनको जो चाहिए वो लेकर दूँ। बेटा मैंने विटी ले दे जो बारे खो आई गई थे विटी। ओके बेटा, तो रूही को भी जो भी चाहिए वो लेंगे हम और किंजल के लिए भी हम कुछ ना कुछ लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो काम करने जाना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस तीनों बेटियों को हम हेल्प करेंगे रूही के हाथों, उनकी जितनी मदद हो उतनी हम करेंगे और उसके बाद किंजल के लिए और रूही के लिए कुछ ना कुछ ऐसी गिफ्ट लेंगे जो उनको काफ़ी टाइम से मैंने बोला था कि कोई बढ़िया गिफ्ट लेंगे। ठीक है, तो इंतज़ार करते रहिएगा सब, आज धमाल मचने वाला है, बहुत ही एंजॉय करते रहेंगे रूही के बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे छे आज के। जारू बापा घोड़िया घुमाते हुए सुबह सुबह। શું કરવાની છે તો આજે? હેલ્પ કરવા જવાની। વેરી ગુડ। હા, આજ મારી બેટી જા રહી હેલ્પ કરને કે લિયે, ઉસકે બાદ ઉનકે લિયે કુછ ના કુછ હમ લેને જા રહેંગે। ઠીક હે, ઓકે, એન્જોય। ક્યા કર રહા હે કિયાન? અભી સો રહા હે। સો રહા હે। આઈએ કિંજલ સે પૂછતે હે કે ઉસકી ગિફ્ટ ક્યા ચાહિયે। દેખો, યે માં બેટી દોનો તૈયાર હો ચુકી હે। ગુડ મોર્નિંગ। આજ તો મેરા બેટી કા બર્થડે હે। હે ના, અરે વાહ, રૂહી રેડી હો ચુકી એકદમ। હેપી બર્થડે બેટા। થેન્ક યુ મમ્મા। तो किंजल, आज जितना रूही का खास दिन है उतना ही तुम्हारे लिए है। अच्छा। क्योंकि आज तुम्हें गिफ्ट जो मिलने वाली है, तो आज हम अभी तो बाहर जा रहे हैं, तो तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? मुझे तो अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी रूही का आज बर्थडे है। हाँ। बर्थडे के आप तीनों बेटिया को हेल्प करने जा रहे है और मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बाप रे। और मुझे प्राउड है कि मुझे रूही और आरोही जैसी दोनों बेटियां मिली, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो खास भाई आज भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन हम उसे खाली हाथ आज तो नहीं जाने देंगे। उनके बर्थडे पर भी उसने बोला था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज भी मना कर रही है, लेकिन आज अभी कुछ ना कुछ उसको बाहर लेकर जाएंगे, उनको, रूही को और किंजल को, और दोनों को जो भी चाहिए जैसे गिफ्ट चाहिए वो हम लेंगे और वो भी गोल्ड की लेंगे। ठीक है किंजल, तीनों बेटी को जो भी चाहिए उसको देकर आओ। ओके, तो आज अभी हम जा रहे हैं तीनों बेटियों के पास और उनको जो भी चाहिए वो पहले हम देकर आएंगे, उसके बाद घर की खुशी हम मनाएंगे। ठीक है, ओके। बाकी आज तो बहुत ही मस्त लग रही हो किंजल। तो रूही का बर्थडे है। हाँ, हाँ, कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? और तो कुछ नहीं, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। और रूही अभी 5 साल की हो चुकी है। हाँ। अभी 6 स्टार्ट हो चुका है उसका। अभी धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और मेरी बेटियाँ बड़ी होती जा रही है अभी। हाँ। अच्छा लगता है। अभी आरोही भी अभी 23 तारीख को उसका भी 4 मंथ कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ, राइट। अच्छा काम कर रहे हो आप सब। मुझे बहुत ही प्राउड है। थैंक यू किंजल। काम करते जाओ, गन भी खुश हो गए और सब लोगों का भी आशीर्वाद मिलता है। तो थैंक यू सो मच किंजल। और किंजल ने आज बर्थडे विशेष कर दी उनके हिसाब से। उसने जैसे बोला पहले उस तीन बेटियों की हेल्प करेंगे, उसके बाद उनके लिए कुछ ना कुछ हम लेंगे। ठीक है, जो भी लेंगे आपको दिखाते रहेंगे, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही मौज मस्ती धमाल मचने वाला है। चलिए, मेरे पापा भी रेडी हो चुके हैं। इधर गुलाब काका, राजू भाई, जय स्वामी नारायण। आज ये ओली नानी नानी 13 वर्षनी छोकरीओ छे अने આગળ પાછળ કોઈ છે નહીં। હા હા, તો એને ખાવાનું અને એને કઈ કપડાં તે સોપડા ભણવા માટે જોતા હોય એ દેવા જવાનું છે, એને કોણ લઈ દે? આપણને થાવ એને બાપા હોય બધા હોય એને લઈ દે, આને કોણ લઈ દે બિચારા? એને કોણ હાથે વ્રત કરશો? આપણી છોકરી। વાહ, રૂહી ના હાથે આજે એનો જન્મદિવસ છે। વાહ, હા, દેખો એ ગાડી મે બેઠ ચુકી હે, ઉનકે
લઈએ ચોકલેટ લઈ લઈએ के पास केरियाचाड़ गांव है, वहीं पे हम जाने वाले हैं और वहीं पे तीनों बेटी रहती है और उनकी हेल्प करने वाले हैं। पीछे रूही भी बैठ चुकी है और हम सब लोग अभी निकल रहे हैं हेल्प करके वापस घर पे जाके गिफ्ट का और रूही के बर्थडे का सेलिब्रेशन का इंतजाम करेंगे। कहाँ जा रहे हैं अभी? केरियाचाड़ केरिया। क्यों जा रहे हैं? ओके, हर रोज इतना इतना सिखाएंगे तो उनका हाथ लेने में नहीं देने में जाएगा, मतलब जितना दो उतना तीन गुना वापस आता है, ऐसा है गणित। लेकिन लोगों का क्या होता है, बचपन से ही वो देने की भावना कम होती है, लेने की भावना ज्यादा होती है। तो अपने भी बच्चों को ज्यादातर देने की भावना सिखाइए, तीन गुना आपके पास आ जाएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं केरियाचाड़। केरियाचाड़ का रास्ता बहुत ही मजेदार है। जैसे हमने कहा कि ये तीनों बेटियां हैं, ये 4 साल की है, ये 9 साल की और ये 11 साल की। उनके पापा है वो काफी टाइम पहले गुजर चुके और उनके मम्मी जो है पापा उनके भाई के साथ शादी की, लेकिन उनके बाद वो प्रेग्नेंट थे और प्रेग्नेंट में 2-3 महीने था और वो सूरत गए थे, तब उसको पेट में दर्द होने लगा और डॉक्टर के पास गए तब पता चला कि वो जो पेट में बच्चा है वो 2 दिन पहले गुजर चुका है। तो उनकी वजह से रिएक्शन आया और रिएक्शन की वजह से उनकी मॉम भी चल बसी। तो अभी ये तीनों बेटियां हैं अभी इस दुनिया में, ना कोई सहारा है। उनके जो अभी काका बोलते हैं लेकिन उसको पापा माना है, लेकिन वो भी है लेकिन वो भी मजदूरी करते हैं और ये उनके बा है। तुम्हारे दीकरा ने शू थयु तू केम सर तू एम त्रीज वर्ष बैठो મને તેડાવી મારે એમ કે સારું થઈ સારું હશે તમે છોકરી હાથ હોય તમે આ નાની ગીતા બે છોકરી પછી લઈ ગઈ પણ મને દવાખાના ન જવા દીધી મોઢું જવા દીધા કેટલા ભણે બેટા તું? છઠ્ઠું ભણે છે. તું કેટલા ભણે? ચોથું ભણે છે. અને કઈ સ્કૂલ માં જાવ છો? પ્રાથમિક શાળા માં જાવ છો. અને બેન ને સાચવો છો તમે? સરસ. તારું નામ શું બેટા? ભક્તિ નામ છે તારું. તાર નામ શું? ઋત્વી. અને તાર નામ શું બેટા? એ નામ શું છે? વૈભવી. અચ્છા, ફ્રેન્ડ યે તીનો બેટિયા હે, બા હે, તો બા ભી કબ તક ઇનકો સંભાલ પાયેંગે? કમાને વાલે ભી કોઈ ભી નહીં હે. ઉનકે અભી જો કાકા માના હે, પાપા માના હે, વો ભી મજદૂરી કરકે પૂરા ઘર ચલા રહે. ઓર બાકી તીનો બેટિયો કો જિતના જબ ભી જો ભી ચાહે વો હમ ઉનકો નંબર દેકર જાતે ઓર ઉનકી લાઈફ ટાઈમ મતલબ જો ભી પઢાઈ કા ખર્ચા હોગા, खाने पीने का खर्चा होगा, वो तीनों बेटियों का अभी हम उठाएंगे और जितना हो सके हम जयहो विलेज से उनकी हेल्प करते रहेंगे। इस महीने रूही का बर्थडे, रूही के हिसाब से जितना हेल्प होती है उतना हम करेंगे उनको कपड़ा लेकर, लेकिन आगे उनका भविष्य भी बहुत बाकी है। तो उनके लिए भी किसी को हेल्प करनी है तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, तो इन तीनों बेटियों तक आपको जो भी देना है यहाँ तक पहुंचाया जाएगा और इन तीनों का भविष्य हमें सुरक्षित करना है और बहुत ही आगे लेकर जाना है कि वो कभी दुखी ना हो और उनको मम्मी पापा की कोई याद ना आए। तो बा कई चिंता न करता, એમને ભણવાની કાઢવાની આગળ જે પણ થાય તકલીફ હશે ને એ બધે અમે પૂરી પાડી દેવું હોને બસ, એટલે કઈ ચિંતા ન કરતા, તમારે જે જોતું હોય મને કહેવાનું જો કે ये उनके मम्मी है नैना बेन हितेश भाई गोंडलिया, इस दुनिया में नहीं है। तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले
और जितना वो यहाँ पे तीनों बेटियों को छोड़ के गए हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा अभी भी चिंता होगी। किसी को कोई भी माया रह जाती है तो उनको आत्मा को तकलीफ तो होती ही है, तो आप और हम आशीर्वाद भी दो और भगवान से प्रार्थना करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और उन तीनों बेटियों का अभी हम आगे से ख्याल रखेंगे ताकि उनकी मम्मी की आत्मा को भी लगे कि नहीं, मेरी बेटी को सुरक्षित है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उनकी मम्मी को जहां पर भी है वो देख रहे होंगे और वो खुश भी होते होंगे, तो अभी उस बेटी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके लाइफ टाइम हम उनकी जयपुर विलेज से मदद करते रहेंगे। फिलहाल उनके लिए जितनी किट लाए हैं वो हम उनको देते हैं। ઘરમાં શું શું જરૂર છે એ બધું લિસ્ટ બનાવી પાછા આપી જઈએ। હવે તમને એમ લાગે કે દીકરીઓના ઘરમાં જરૂર છે, તમને ખ્યાલ હોય એટલો, જે તમને ખબર હોય અમને કહો, તો અમે એ બધું લિસ્ટ બનાવી અને પછી કપડાં છે અને પહેરવાના, સ્કૂલ યુનિફોર્મ, ચોપડા। બેટી કે ફાઈ હે વો ભી અભી ઘર પે આયે હે, ઘર પે થોડા શાંતિ કા માહોલ બના રહે, ઇસલિયે સેવું લાગશે તો ફોન કરીશું, નંબર તો આપતા જાઓ। હા નંબર તો દેતા જઈશું, કપડાં ને એવું તો હા, જયારે જે પણ એને જરૂર હોય ને એમને કહેજો તમે, ત્યાં આવું અચાનક થયું કે અચાનક બસ માં જઈને આમ પરસેવો ને ઓળવા માંડ્યું હતું, પછી ત્યાં ગયા ને બતાવ્યું ને તો કે બાળક 15 જ ફેલ થઈ ગયું છે, નાના એટલા લગ્ન કરી દીધા હતા। ઓર બેન 31 સાલ કે થે, બહુ છોટી ઉંમર થી और अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां पर भी है हमें देखते होंगे और आज खुश भी होते होंगे कि हम उन तीनों बेटियों का ख्याल रखेंगे, आगे जितना हो सके हेल्प करते रहेंगे ताकि वो बेटियां खुश रहे, कभी उसको गम ना हो और ऐसे उनके आगे की जिंदगी चलती रहे। और रूही का बर्थडे का आज ये सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, हम सब मिलके उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे और हंसी खुशी का एक फैमिली जैसा, परिवार जैसा माहौल खड़ा करेंगे। तो माँ जी हमें दिए थे કોઈ છે નહી, બધા 5 દિવસ વયા જગ્યા બધા આવે પછી કોઈ તીનો બેટીઓ કો જીતના દેંગે ઉતના બહુત હી બઢિયા હૈ, ક્યુંકિ છોટે બચ્ચે મતલબ ભગવાન કા રૂપ હોતી, એક તો 4 સાલ કી बेटी है, मतलब उनको ज्यादा पता भी नहीं है कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में है कि नहीं भी है, तो दुख होता है लेकिन दुख दबाकर लोग जीने लगते हैं। लेकिन केरिया चाड़ का गांव बहुत ही बढ़िया है, वहाँ के लोग भी बहुत ही बढ़िया है। किसी को भी आगे इनके लिए जो भी फंड देना है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उनको उनपे आप भेज सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही है, आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म कर दे और कल आपको जो भी गिफ्ट हम किंजल को रूही को देंगे वो कल आपको बताएंगे और कल वहीं से व्लॉग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।